वो जब याद आए, बहुत याद आए। नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चटर्जी, आप सब रवि साहब के चाहने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं रवि साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर दो शब्द उनके लिए अपना श्रद्धांजलि पेश कर सकूं। रफ़ी साहब के लिए हम जैसे कलाकार क्या कह सकते हैं, हम तो बहुत ही छोटे हैं। मेरे लिए वो भगवान हैं। मेरे लिए रफ़ी साहब, अगर 1 से 10 तक काउंट किया जाए तो 1 से लेकर 10 तक रफ़ी साहब ही रफ़ी साहब हैं। और एक बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि गाना तो मैंने बड़ा होने के बाद सीखा, लेकिन एक्चुअल गुरु मेरे जो पहले गुरु हैं वो रफ़ी साहब ही हैं। वो कैसे, 6 साल की उम्र से मैं तबला सीखता हूँ। मेरे घर में गाने बजाने का माहौल था, मेरी दीदियाँ वो लोग गाना सीखती थी, मैं तबला सीखता था। तो घर में हर रोज़ शाम के वक्त गाना बजाना होता था, दीदी लोग गाते थे, उनके साथ मैं तबला बजाता था, साथ में मैं भी गाता था। मैं तबला बजा कर गाता था। मेरे गाने कौन से होते थे, सरगम फिल्म के डफली वाले डफली बजा, उसमें जो रफ़ी साहब का पार्ट है वो मैं गाता था। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, वो मेरा बचपन से लेकर अब तक मेरा फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि ये उन दिनों ये फिल्म शायद रिलीज़ हुई थी तो रेडियो में बहुत बजते थे, तो ये सब गाने सुन सुन कर बड़ा हुआ मैं गाता था। फिर वो नसीब फिल्म का वो गाना, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं और मेरे बड़े भाई दोनों मिलकर गाते थे, तो रफ़ी साहब का पार्ट मैं ही गाता था। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर में जो गाने का जो जज्बा पैदा हुआ, जो शौक़ आया मुझे गाने का, वो रफ़ी साहब के गीतों को सुनकर ही हुआ। तो हुए ना वो मेरे पहले गुरु। दुख सिर्फ इस बात की है कि उनसे मिल नहीं पाया, उनके पैर को छूकर उनका आशीर्वाद नहीं ले पाया, कि बहुत जल्दी चले गए वो। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि उनके परिवार वालों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नजरीन दीदी, यस्मीन दीदी, मिराज भाई, परवेज भाई, शाहिद भाई, इन सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये लोग भी मुझे जानते हैं, शोज़ में आते हैं, उनका मैं पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। जब उनका पैर छूता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, तो ऐसे मुझे लगता है कि रफ़ी साहब के आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये लोग भी उतने ही डाउन टू अर्थ है, उतने ही सिंपल है जैसे कि रफ़ी साहब थे। तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। और सिर्फ एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ रफ़ी साहब के, क्योंकि कहने के लिए इतना है कि पूरी रात ख़त्म हो जाए, लेकिन इतना टाइम नहीं है। सिर्फ दोस्तों इतना करना, आप मोहब्बत जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, प्यार लव उसका मतलब, रफ़ी साहब का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। दिल के झरोखे में, उसमें जो उन्होंने 3rd अंतरा में मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, उसको उसमें मोहब्बत शब्द को कैसे उन्होंने प्रोनाउंस किया, कैसे उस शब्द को रखा, और एहसान तेरा होगा उस गीत में जो मोहब्बत को, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, उसमें जो मोहब्बत इस शब्द को दोनों गाने में किस तरह से उन्होंने पेश किया, ये आप सुनिए, आपको उनके गायकी, उनका फील, उनका डेप्थ समझ में आएगा कि एक एक वर्ड के साथ वो कैसे खेलते थे, एक एक वर्ड को किस तरह से वो बोलते थे, गाने के सिचुएशन के हिसाब से, मूड के हिसाब से। वो ग्रेट थे, ग्रेट है, ग्रेट रहेंगे, उनके जैसा कोई नहीं, मेरे लिए उनके जैसा कोई नहीं, और मैं तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि, उनको शत शत हज़ारों बार प्रणाम करता हूँ, और खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि उनके परिवार वालों को मैं जानता हूँ, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हो रफ़ी साहब।